दोस्तों हर इंसान का सपना होता है कि दिल्ली जैसे शहर में अपना एक आशियाना हो, अपना एक घर हो, और उसी सपने को पूरा करने के लिए गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की पूरी टीम दिन रात आप लोगों के लिए काम करती है। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं सुग्रीव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक 3 BHK फ्लैट के बारे में, और ये 3 BHK फ्लैट दोस्तों हमारे लग्जरी 3 BHK फ्लैट की सीरीज का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों इस फ्लैट को डिटेल में हम आपको दिखाने वाले हैं, और इस फ्लैट में दिखाने के लिए भी काफी कुछ है। अच्छी लोकेशन है दोस्तों, एल टाइप कॉर्नर का ये फ्लैट है, और इसके अलावा दोस्तों अच्छी बात ये है कि फुली वेंटिलेटेड है, तीनों बेडरूम्स बाहर की तरफ है, किचन बाहर की तरफ है, दोनों वॉशरूम बाहर की तरफ है। दोस्तों पूरे दिन अगर आप लाइट ऑन ना भी करें तो भी आपके पूरे घर में नेचुरल लाइट रहेगी, क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा, और बहुत प्यारा और अच्छी मेकिंग के साथ दोस्तों काफी रीजनेबल प्राइस पर आपको ये फ्लैट मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक छोटी सी विजिट आपके इस 3 BHK फ्लैट की। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं बिल्डिंग के ठीक बाहर, और आप देख सकते हैं कि एक तरफ 25 फीट की रोड है और एक तरफ हमारी 20 फीट की गली है। 2 साइड ओपन ही बिल्डिंग है दोस्तों, और इसके अगर एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से एलिवेशन को बनाया गया है। इस तरफ दोस्तों ग्रुपिंग दी गई है, जबकि उस तरफ आप देखेंगे कि प्रॉपर पेंट वर्क किया गया है। पूरी एलिवेशन दोस्तों बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है, बिल्डिंग की जो आउटर लुक है ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं आपकी पार्किंग की तरफ। तो ये है दोस्तों हमारी पार्किंग, और इस पार्किंग की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि इसमें आपको एल टाइप की एंट्री मिलती है, बड़े बड़े गेट मिलते हैं, तो गाड़ियों को पार्क करने में और गाड़ियों को बाहर निकालने में आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने वाली। आप देख सकते हैं 2 बड़े बड़े गेट दोस्तों इस तरफ लगेंगे, और इस तरफ भी दोस्तों आपको 4 गेट अलग अलग मिलने वाले हैं। दोनों तरफ से ही अपनी गाड़ियों को आप अंदर ला सकते हैं, इसीलिए गाड़ियों को पार्क करने में और निकालने में किसी भी तरह की परेशानी दोस्तों नहीं होने वाली। बात कर लेते हैं हमारी फ्लोरिंग की, तो नीचे आपको कोटा स्टोन मिलता है, ये दोस्तों काफी हार्ड पत्थर होता है, तो गाड़ियों के वेट की वजह से ये कभी भी खराब नहीं होता। और उसके बीच में आपको मिलती है व्हाइट मार्बल की चिप्स, जब इसकी कंप्लीट फिनिशिंग हो जाएगी तो ये काफी अच्छी गेटअप देने वाला है। बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पर भी दोस्तों खास ध्यान दिया गया है, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर कॉलम्स आपको मिलते हैं और काफी हैवी साइज के कॉलम्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर अगर बात करें दोस्तों तो टाई बीम्स है, ये लटक बीम भी दोस्तों इनको कहा जाता है, और ये करीबन 1.5 फीट की लटक बीम यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा दोस्तों एक और स्ट्रेंथ यहाँ पर दी जाती है, इन कॉलम्स को आपस में टाई किया जाता है, और नीचे भी दोस्तों टाई बीम्स दिए गए हैं, यानी कि सारे कॉलम्स को आपस में टाई किया जाता है, जिससे कि किसी भी टफ सिचुएशन में, भूकंप में या फिर किसी और सिचुएशन में दोस्तों बिल्डिंग को नुकसान ना हो। चलिए दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपकी लिफ्ट किस तरफ है और आपकी जो स्टेयर केस है वो किस तरफ है। यहाँ दोस्तों आपकी लिफ्ट है, इस तरफ आपकी लिफ्ट है, और लिफ्ट के बिल्कुल साथ में आपका स्टेयर केस है, और स्टेयर केस के ठीक नीचे आप देखेंगे कि आपको मोटर सेक्शन मिलता है, प्रॉपर मोटर लगाने के लिए जगह मिलती है। दोस्तों पानी के जो कनेक्शन है दोस्तों वो मेन रोड से पाइप लाकर हमने यहाँ पर कर दिए हैं, आपको सिर्फ अपनी मोटर इंस्टॉल करनी है और पानी आपका चालू हो जाएगा, लेकिन आपको उससे पहले कनेक्शन भी अप्लाई करना होगा। यहाँ दोस्तों आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट का काम शुरू हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ मंथ ये काम कंप्लीट भी हो जाएगा। जब आप ये फ्लैट लेंगे दोस्तों, लोन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, उससे पहले पहले आपको लिफ्ट भी वर्किंग यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आपके फ्लैट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपका स्टेयरकेस भी दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रॉपर ग्रेनाइट का काम आपको यहाँ पर मिलता है, मोल्डिंग पत्थर लगाया गया है, डबल मोल्डिंग का काम किया गया है। दोस्तों स्टेप्स काफी इजी और अच्छे रखे गए हैं। जीने से ऊपर आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको काफी बड़ी एक शाफ्ट मिलती है, शाफ्ट दोस्तों काफी बड़े साइज की है, यानी कि आपकी पूरे जीने के अंदर
वेंटिलेशन भी रहेगा दोस्तों। और अक्सर आपने देखा होगा कि जीने में कई बार नमी आ जाती है, तो ये शाफ्ट होने की वजह से वो नमी यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी और जीना चढ़ते वक्त आपको फ्रेश एयर यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए मूव करते हैं आपके फ्लैट की तरफ। ऊपर आने के बाद दोस्तों ये हमारी कॉमन लॉबी है और इस कॉमन लॉबी में हमारे तीन फ्लैट्स की एंट्री है। एक फ्लैट जिसको आज हम आपको दिखाने वाले हैं और इसके अलावा दो और सैंपल फ्लैट्स हैं दोस्तों, वो भी रेडी हो चुके हैं। तो काफी बड़ा पैसेज आपको मिलता है आपके फ्लैट के अंदर जाने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं दोस्तों अब हम आपके एल टाइप 3 BHK फ्लैट की तरफ। यहां से दोस्तों आपके फ्लैट की एंट्री है और एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है आपके पूरे फ्लैट का ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यहां से दोस्तों आपका जितना भी लाइट सिस्टम है वो आप मैनेज यहां से कर सकते हैं। साथ में आपको मिलता है एक बेडरूम और उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं हमारे लिविंग स्पेस के अंदर। लिविंग स्पेस दोस्तों किसी भी फ्लैट की और किसी भी बिल्डिंग की जान होता है। आप देख सकते हैं कि जब लिविंग स्पेस में एंट्री करते हैं, लिविंग स्पेस का साइज अगर अच्छा है, लिविंग स्पेस में अगर काम काफी अच्छा किया गया है, तो दोस्तों न केवल आपको बल्कि आपके गेस्ट को भी काफी अच्छा लगता है जब वो आपके घर में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों लिविंग स्पेस की। ये हमारा लिविंग स्पेस दोस्तों ऑलमोस्ट स्क्वायर में है, यानी कि 12 फीट बाय और 13 फीट का आपको आपका ये लिविंग स्पेस मिलता है। और इस लिविंग स्पेस में दोस्तों जो सोफे की प्लेसमेंट है ये आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एल टाइप का सोफा आप लगा सकते हैं दोस्तों, 10 से 12 लोगों की सीटिंग आप दे सकते हैं और उसके अलावा भी आप एडिशनल सीटिंग दे सकते हैं, पफ्स लगा सकते हैं दोस्तों, उससे आपकी सीटिंग बढ़ जाएगी। सोफे के ठीक पीछे की वॉल आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से डिजाइन की गई है दोस्तों, वुडवर्क बीच में दिया गया है। इस लिविंग स्पेस की गेटअप को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों, इनहेंस करने के लिए आपको ये नीच बनाकर दी गई है। इसके अंदर आप कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं, कोलाज रख सकते हैं दोस्तों, फोटो फ्रेम्स रख सकते हैं और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो छोटे छोटे जो गमले हैं वो रख सकते हैं, जिससे आपकी पूरे लिविंग स्पेस की गेटअप काफी शानदार हो जाएगी। और उसके नीचे दोस्तों आपको मिलता है शानदार सा वॉलपेपर। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार पैटर्न का वॉलपेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि पूरी वॉल दोस्तों काफी अच्छी और सोबर लुक के साथ आपको काफी एलिजेंट लुक भी देती है। और उसके साथ में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ आपको AC का पॉइंट मिलता है, सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही आपको इंस्टॉल करना है। हमारे जितने भी फ्लैट्स हैं दोस्तों उसके अंदर जितना भी AC का काम होता है वो सारा का सारा दोस्तों काफी हाई क्वालिटी का होता है, तो लॉन्ग लास्टिंग आपको कभी भी परेशानी नहीं आने वाली। सोफे की प्लेसमेंट के बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे टीवी पैनल की, क्योंकि सोफे पर बैठने के बाद सबसे पहले आप अपना टीवी रिमोट ही सबसे पहले उठाते हैं। तो सामने आपको मिलता है दोस्तों शानदार LED पैनल। ये LED पैनल दोस्तों सिर्फ टीवी के लिए ही नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि पूरी वॉल को डिजाइनर लुक दी गई है। इस पूरी वॉल को दोस्तों डिजाइनर लुक दे दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक अलग ही पैटर्न मिलता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ आपको टीवी लगाने के लिए स्पेस मिलता है, यहाँ आपको 3 नीच मिलती हैं दोस्तों, ऊपर भी आपको नीच मिल जाती है दोस्तों डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए, नीचे आपको प्रॉपर स्टोरेज मिलती है। आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 तीन बड़ी बड़ी ड्रॉस भी आपको मिलती हैं दोस्तों, और ऊपर से आपको ये टॉप भी मिलता है सामान रखने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स भी दोस्तों आपको प्रॉपरली मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको स्विच एंड सॉकेट मिल जाते हैं, 2 स्विच एंड 2 सॉकेट लगाए गए हैं और टीवी के लिए दोस्तों सेपरेटली स्विच एंड सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। पूरे LED पैनल का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी दोस्तों बड़ा शानदार है और बहुत अच्छे से हमारे इंटीरियर डिजाइनर्स ने इसे डिजाइन किया है, और जब आप यहां आएंगे तो डेफिनेटली आपको ये काफी पसंद आने वाला है। फ्लोरिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्लोरिंग हाई ग्लोस की टाइल्स हैं यूज की गई हैं, मिरर लुक की टाइल्स हैं दोस्तों, स्क्रेचलेस टाइल्स हैं। हमारे हर फ्लैट में, गुरु महादेव रियल एस्टेट के हर फ्लैट में इसी क्वालिटी की टाइल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी सीलिंग की, तो सीलिंग में भी आपको फॉल सीलिंग के डिजाइन मिलते हैं, साथ में बहुत प्यारा सा शैंडलियर और फैन भी दोस्तों हम आपको यहाँ पर लगा कर दे रहे हैं। ये लिविंग स्पेस दोस्तों आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि स्पेस के हिसाब से भी काफी अच्छा है, ये डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों काफी अच्छा है, इसका टीवी पैनल भी शानदार है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको आपका ये लिविंग स्पेस जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे किचन की तरफ जो इससे भी शानदार है। अब बात करते हैं दोस्तों किचन की, लेकिन किचन में एंटर करने से पहले मैं इसकी एंट्री आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा काम किया गया है, बहुत शानदार तरीके से दोस्तों इसकी एंट्री को डिजाइन किया गया है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि आपको डिजाइनर वर्क मिलता है और एंट्री पर आपको एक फोकस लाइट भी मिलती है दोस्तों। यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ड्यूअल कलर की माइका का इस्तेमाल किया गया है, डार्क और लाइट
शेड को यहां पर रखा गया है और बीच में दोस्तों आपको नीच मिलती है विद फोकस लाइट, और इस नीच में दोस्तों पीछे भी आपको एक पैटर्न मिलता है जिससे इसकी गेटअप काफी अच्छी हो जाती है। और जब इसके अंदर आप कोई भी शो पीस या फिर दोस्तों डेकोरेटिव आइटम रखेंगे तो डेफिनेटली ना केवल आपके लिविंग स्पेस की बल्कि आपकी किचन की जो क्वालिटी है और जो लुक है दोस्तों वो भी काफी इनहेंस यहां पर हो जाती है। तो नो डाउट दोस्तों आपको ये एंट्रेंस जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों किचन में एंट्री के बाद सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किचन के साइज की। तो 8 फीट बाय 8 फीट का आपको आपकी किचन का साइज मिलता है। यू शेप का दोस्तों आपको टॉप मिलता है, ब्लैक ग्रेनाइट का आपको काम मिलेगा दोस्तों, स्टोन लगाया गया है जो कि ब्लैक ग्रेनाइट का है, और यहां पर दोस्तों आपको डबल मोल्डिंग का वर्क भी देखने को मिलेगा। किचन बड़ी शानदार है दोस्तों, इसके ना केवल स्टोरेज पर बल्कि इसकी पूरी लुक पर दोस्तों काफी ध्यान दिया गया है। लेकिन इस किचन के अंदर दोस्तों जो सबसे अच्छी चीज है वो है आपकी ये विंडो। इस विंडो से दोस्तों नेचुरल लाइट अंदर आती है और आप देख भी सकते हैं कि आपके घर के अंदर प्रॉपर इस टाइम धूप भी अंदर आ रही है दोस्तों, फ्रेश एयर अंदर आ रही है, ऊपर आप एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। विंडो ओपन करने के बाद दोस्तों आपको काफी अच्छा फील भी यहां पर आने वाला है। किचन में बड़ी डिमांड रहती है हमारी बहनों की कि किचन बाहर की तरफ हो जिससे कि हमारा खाना बनाते वक्त हमें फ्रेश एयर मिलती रहे। तो ये दोस्तों ठीक उसी पैटर्न में आपको आपकी किचन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों किचन की स्पेसिफिकेशन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आपके गैस स्टोव की। तो यहां पर आपका गैस स्टोव रखा जाएगा जो कि ईस्ट की फेसिंग में होगा, यानी कि वास्तु के लिहाज से भी दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऊपर आपको हिंदवेयर की चिमनी मिलती है, आप देख सकते हैं कि काफी हाई क्वालिटी की चिमनी भी हम लोग आपको यहाँ पर लगा कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्टोरेज की। तो ऊपर आपको काफी कैबिनेट्स मिल जाती हैं, चिमनी के ठीक साथ में दोस्तों यहाँ भी आपको कैबिनेट मिलती है और काफी सामान रखने के लिए स्पेस भी मिल जाता है। ऊपर फोकस लाइट है जिससे जब आप अपने कैबिनेट्स को ओपन करेंगे तो अंदर प्रॉपर लाइट आपको मिलेगी। तो ऊपर दोस्तों आपको प्रॉपर कैबिनेट्स मिलती है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो आपको बास्केट्स मिलती हैं आपके क्रॉकरी रखने के लिए। हर तरह की क्रॉकरी रखने के लिए दोस्तों आपको प्रॉपर बास्केट्स मिलती हैं, छोटी क्रॉकरी, बड़ी क्रॉकरी, या फिर इसके अलावा दोस्तों आपको आटे की टंकी और इस तरह का कुछ बड़ा बर्तन भी रखना हो दोस्तों तो वो भी आप यहां पर इजीली रख सकते हैं। इस किचन के अंदर दोस्तों जो कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है ये भी काफी शानदार है। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ लाइट शेड की माइका का यूज हमने किया है और नीचे की तरफ डार्क शेड की माइका यूज की गई है। ये जो माइका है दोस्तों ये डार्क ग्रे कलर है, तो काफी प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा बीच में जो टाइल्स दी गई हैं दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैचिंग की टाइल है और काफी अच्छी और नेचुरल लुक आपको यहां पर देती हैं। किचन के अंदर दोस्तों आपको जगह जगह आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस भी मिलते हैं जिससे कि आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यहां पर इजिली यूज कर पाए। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हमारे डिशवॉशर के बारे में, ये दोस्तों हमें यहां पर मिल जाता है। और उसके नीचे दोस्तों आपको मिलता है सिंक कैबिनेट बॉक्स। पूरी किचन को दोस्तों कवर किया गया है, यानी कि आपको प्रॉपर स्टोरेज मिलती है दोस्तों, और स्टोरेज भी दोस्तों काफी अच्छी मिल जाती है। इस तरह भी आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर बास्केट्स मिलती हैं, यानी कि दोस्तों पूरी किचन के अंदर सामान रखने की काफी जगह आपको यहां पर मिल जाएगी। सिंक की हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों हमारे डिश वॉशर की, तो बड़े साइज का डिश वॉशर यहाँ पर लगाया गया है आप देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ दोस्तों काफी हाई क्वालिटी की जो फिटिंग्स हैं वो आपको मिलती हैं, गर्म पानी, ठंडे पानी और डायरेक्ट पानी की फिटिंग्स आपको मिलती हैं दोस्तों। और उसके अलावा आरओ या फिर वाटर प्यूरिफायर लगाने के लिए भी आपको पॉइंट यहां पर दिया गया है। गुरु बहादुर रियल एस्टेट के हर फ्लैट के अंदर दोस्तों आपको जो सैनिटरी फिटिंग्स मिलती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हो, हर चीज दोस्तों क्वालिटी की मिलती है, आईएसआई मार्क का मिलती है। तो ये है दोस्तों हमारी प्रॉपर किचन, और किचन के बाद अब हम लोग मूव करेंगे हमारे पहले बेडरूम की तरफ। चलिए मूव करते हैं दोस्तों हमारे पहले बेडरूम की तरफ। और ये बेडरूम दोस्तों हमारा बाहर की तरफ है, यानी कि बालकनी की तरफ है दोस्तों, और इसका साइज भी दोस्तों काफी अच्छा है, 12 फीट बाय और ऑलमोस्ट दोस्तों 10 फीट का आपको आपका ये बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम में दोस्तों आपको देखने के लिए काफी कुछ मिलेगा। इस पूरे फ्लैट के अंदर दोस्तों जो वुडन वर्क है ये काफी अच्छा किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके बेड की प्लेसमेंट की। तो यहां आपके बेड के लिए प्रॉपर स्पेस आपको मिलता है, 6 फीट बाय और 6 फीट का बेड दोस्तों आप यहां पर लगा सकते हैं। और दोनों तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि आपको बड़ी बड़ी वार्डरोब्स मिलती हैं, बीच में दोस्तों आपको ओपन स्पेस मिलता है, और नीचे की तरफ आपको दो बड़ी बड़ी ड्रॉर्स भी मिलती हैं, यानी कि दोस्तों यहां भी आपको प्रॉपर स्टोरेज मिल जाती है। और उसके ठीक पीछे की जो वॉल है दोस्तों ये भी डिजाइनर बनाई गई है, आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको नीच मिलती है, ऊपर आपको फोकस लाइट मिलती है दोस्तों, और नीच के अंदर भी जो पैटर्न यूज किया गया है, जो वॉलपेपर यूज किया गया है दोस्तों, वो बहुत प्यारा और डिफरेंट शेड का है। और उसके अलावा दोस्तों जो आउटर पार्ट है यहां पर भी आपको एक शानदार सा वॉलपेपर देखने को मिलेगा।
ऊपर भी दोस्तों आपको स्टोरेज मिल जाती है और बेड के ठीक सामने आप देखेंगे कि पूरी डिजाइनर वॉल आपको यहां पर मिलती है। ये दोस्तों ये पूरी वॉल बड़े अच्छे तरीके से और सोच समझ कर डिजाइन की गई है। यहां पर न केवल आपको टीवी पैनल मिलता है बल्कि उसके साथ में आपको स्टडी टेबल भी मिलती है और ये पूरी वॉल जो है दोस्तों ये डिजाइनर लुक में बनाई गई है, यानी कि पूरी वॉल पर वुड वर्क यहां पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा टीवी पैनल के लिए फ्रेम आपको मिलता है, नीचे स्विच एंड सॉकेट आपको मिलते हैं और उसके नीचे भी दोस्तों आपको स्टोरेज मिल जाती है, ओपन शेल्फ मिलती है, देन दोस्तों आपको स्विच एंड सॉकेट नीचे भी मिल जाते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए या फिर दोस्तों सेटअप बॉक्स लगाने के लिए, और उसके ठीक साथ में आपको मिलती है दोस्तों आपकी स्टडी टेबल या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस आपके लिए हो सकता है। ऊपर दोस्तों बुक शेल्फ आपको मिलती है, ओपन बुक शेल्फ है, अपनी बुक्स यहाँ आप रख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे दोस्तों कि आपको प्रोफाइल लाइट मिलती है जिससे कि पढ़ते वक्त आपकी टेबल पर प्रॉपर रोशनी रहे, पूरे रूम की लाइट अगर आप ऑफ भी कर देंगे तो भी आपको आपकी इस टेबल पर प्रॉपर लाइट मिलती रहेगी। सामने का ये सरफेस है दोस्तों इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है और इसके अंदर आप पिन बोर्ड भी अपना लगा सकते हैं और उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे कि आपको ई बोर्ड रखने के लिए दोस्तों आपको प्रॉपर यहाँ पर प्रोविजन मिलता है और एक आपको यहाँ पर ड्रॉअर भी मिल जाती है और उसके बाद दोस्तों नीचे भी आपको एक ओपन शेल्फ मिलती है तो वहां भी आप अपना बैग या फिर कोई और आइटम दोस्तों ये लैपटॉप बैग भी यहां पर रख सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था दोस्तों कि आपका ये फ्लैट फुली वेंटिलेटेड है तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी विंडो आपको यहां पर मिल जाती है, विंडो एसी लगाने का प्रोविजन आपको मिलता है, फुली वेंटिलेटेड ये फ्लैट है दोस्तों, पूरी सनलाइट आप देख सकते हैं बाहर पूरी सनलाइट दोस्तों आपके इस रूम के अंदर यहां पर आ रही है, यानी कि दोस्तों पूरे फ्लैट के अंदर नेचुरल लाइट की कोई कमी नहीं है और इसके अलावा दोस्तों जो क्रॉस वेंटिलेशन है फ्रेश एयर है उसकी भी किसी भी तरह की कमी नहीं है। सारा का सारा काम दोस्तों डिजाइनर पैटर्न से किया गया है। सीलिंग भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन की सीलिंग यहां दी गई है और बिल्कुल सिंपल सोबर सा पैटर्न दिया गया है दोस्तों। जो लाइट्स लगाई गई है एलईडी लाइट वो भी दोस्तों बड़े साइज की लगाई गई है जिससे कि रात के समय आपको प्रॉपर रोशनी आपके इस बेडरूम के अंदर या पूरे घर के अंदर मिले। अगर हम बात करें दोस्तों डोर्स की तो इस फ्लैट के अंदर जो डोर्स हमने लगाए हैं ये भी फुल हाइट के हैं, 8 फीट की हाइट तक के डोर आपको मिलते हैं दोस्तों और डिजाइनर पैटर्न के डोर आपको मिलते हैं। जितने भी यहाँ पर हैंडल लगाए गए हैं दोस्तों ये सारे के सारे काफी हाई क्वालिटी के हैंडल्स हैं, यानी कि सालों साल आपको किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला बेडरूम, अब हम मूव करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम में जाने से पहले दोस्तों मैं आपको कॉमन वॉशरूम भी दिखाना चाहता हूं। ये है दोस्तों हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का जो साइज है दोस्तों ये डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है क्योंकि इसका जो साइज है ये 6.5 फीट बाय और ऑलमोस्ट दोस्तों 5 फीट का है। काफी शानदार और स्पेशियस सा दोस्तों आपका ये वॉशरूम है। इस वॉशरूम में दोस्तों नीचे जो टाइल्स यूज की गई है आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारी और डिफरेंट डिजाइन और पैटर्न की दोस्तों टाइल है। पानी का पूरा स्लोप दोस्तों ड्रेनेज की तरफ है, आप देख सकते हैं कि पूरा स्लोप आपको प्रॉपरली यहां पर मिलेगा। रूफ हाइट तक की दोस्तों आपको टाइल्स मिलेंगी और टाइल्स जो वॉल्स पर है दोस्तों ये भी डिजाइनर टाइल्स यूज की गई हैं। आप देख सकते हैं कि बीच में प्रॉपर हाइलाइटर टाइल्स यूज की गई हैं जबकि नीचे और ऊपर लाइट बेस की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक लास्ट में दोस्तों आपको आपका कमोड मिलता है, यानी कि आपको वन पीस की शीट मिलती है। जितने भी फिटिंग्स दोस्तों हमारी सैनिटरी की लगती है वो सारी की सारी क्वालिटी की है और बेस्ट दोस्तों आपको मिलने वाली है। ऊपर आपको गीजर का पॉइंट मिलता है, साथ में आपको दोस्तों इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी मिल जाता है गीजर ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पर अगेन दोस्तों आपको काफी बड़ी विंडो मिल जाती है, प्रॉपर सनलाइट आपको मिलती है और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। बीच का ये पैटर्न दोस्तों हमारे बेडिंग के लिए है, काफी बड़ा एरिया आपको मिल जाता है, लगभग 3.5 फीट का साइज आपको मिलता है बेडिंग के लिए दोस्तों। डाइवर्टर की फिटिंग आपको मिलती है, उसके साथ साथ डायरेक्ट पानी की टूटी भी आपको यहां पर मिल जाती है दोस्तों और ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि शावर भी आपको यहां पर दिया गया है। सीलिंग की लाइट आपको मिलती है दोस्तों, दो लाइट्स यहां लगाई गई हैं तो लाइट प्रॉपरली आपको यहां पर मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हमारे वॉश बेसिन की, तो यहां पर दोस्तों वॉश बेसिन लगाया गया है और यहां पर भी जो फिटिंग्स आपको मिलती है काफी हाई क्वालिटी की मिलती है और उसके ठीक साथ में दोस्तों आपको स्विच एंड सॉकेट भी मिल जाता है क्योंकि वॉशरूम के अंदर कई बार आप ट्रिमर यूज करते हैं तो उनको यूज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट चाहिए होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपका ये कॉमन वॉशरूम जरूर पसंद आया होगा। तो ये है दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम और ये बेडरूम
काफी बड़ा है दोस्तों, शानदार है। इसके जो साइज है ये 12 फीट बाय और 10 फीट का है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके बेड की प्लेसमेंट की। यहां दोस्तों आपका बेड लगेगा, 6x6 का बेड आप यहां पर इजीली लगा सकते हैं। और हमारे पहले बेडरूम की ही तरह दोस्तों यहां भी आपको दोनों तरफ वार्डरोब्स मिलती है, बीच में ओपन शेल्फ मिलती है, और नीचे की तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि आपको बड़ी बड़ी ड्रॉर्स मिल जाती है। दो ड्रॉर उस तरफ है दोस्तों और दो ड्रॉर्स आपको इस तरफ मिल जाती है। यानी कि दोस्तों शानदार तरीके से आपका ये बेडरूम डिजाइन किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी यहां पर दिए गए हैं। अगर आपको अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल चार्ज करना है तो अपने बेड पर ही आप यहां पर चार्ज कर सकते हैं। और बेड के ठीक सामने दोस्तों आपको मिलता है अगेन एक शानदार सा एलईडी पैनल। ये एलईडी पैनल दोस्तों आप देख सकते हैं कि ड्यूअल शेड में है, ब्लैक कलर और ब्राउन कलर के शानदार से कॉम्बिनेशन में आपको ये आपका एलईडी पैनल मिल जाता है। और यहां पर भी दोस्तों आप 43 इंच तक का टीवी इजीली लगा सकते हैं। स्विच इन सॉकेट आपको मिलते हैं, नीचे भी दोस्तों आपको स्विच इन सॉकेट मिलता है, और उसके अलावा बीच में आपको ओपन शेल्फ मिलती है। बुक्स रख सकते हैं दोस्तों या फिर कोई और आइटम भी यहाँ पर रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे विद फोकस लाइट दोस्तों आपको नीच मिलती है। और यहाँ भी अपने बेडरूम की सजावट के लिए आप शानदार से शोपीस रख सकते हैं दोस्तों। सीलिंग की अगर बात करें तो अगेन आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलता है। फैन दोस्तों हम लोग आपको लगा कर देंगे। और ये जो बेडरूम है दोस्तों ये आपका फुली वेंटिलेटेड बेडरूम है, क्योंकि इसके साथ आपकी बालकनी भी अटैच है और साथ में आपको काफी शानदार और बड़ी विंडो भी मिल जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग 2.5 फीट बाय और 6 फीट की आपको विंडो मिलती है। विंडो में दोस्तों जो नेट वाली विंडो है, मॉस्किटो विंडो इसको बोलते हैं दोस्तों, वो भी मिलती है। बीच में सेफ्टी ग्रिल्स मिलती है और उसके बाद दोस्तों आपको ग्लास वाली विंडो भी यहां पर मिल जाती है। और उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि जो आउटर पार्ट है यानी कि जो बॉर्डर है ये भी दोस्तों काफी अच्छे से आपके इस फ्लैट में डिजाइन किया गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों आपकी बालकनी की। लेकिन बालकनी में जाने से पहले दोस्तों मैं आपको आपका अटैच वॉशरूम दिखाना चाहता हूं। तो ये है दोस्तों आपका अटैच वॉशरूम, और ये वॉशरूम दोस्तों पहले वाले वॉशरूम से भी थोड़ा सा बड़ा है। यानी कि दोस्तों लगभग 6.5 फीट बाय और 5 फीट का आपको आपका ये वॉशरूम मिलता है। और इस वॉशरूम के अंदर दोस्तों जो टाइल वर्क है ये बिल्कुल डिफरेंट और शानदार सा आपको मिल जाता है। फ्लोरिंग टाइल की बात करें दोस्तों तो पहले बाथरूम की तरह यहाँ पर भी उसी पैटर्न की टाइल्स का यूज किया गया है, बस थोड़ी सी डार्क टाइल यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ भी अगेन आपको रूफ हाइट तक की टाइल्स मिलती है, बीच में शानदार सा पैटर्न आपको मिलता है दोस्तों, और गोल्डन कलर की पेंसिल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि आपकी वॉशरूम की गेटअप और लुक दोस्तों काफी अच्छी हो जाती है। यहाँ आपको वन पीस की शीट मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों इस वॉशरूम में भी जो स्लॉप दिया गया है ये काफी अच्छे से मैनेज किया गया है। ऊपर आपको गीजर का पॉइंट मिलता है, यहाँ दोस्तों आपको गीजर लगाने के लिए स्विच एंड सॉकेट मिल जाते हैं। बीच में दोस्तों आपको बेडिंग एरिया मिलता है, यहाँ पर भी आपको डाइवर्टर की फिटिंग मिलती है। देन दोस्तों एक डायरेक्ट पानी के लिए टैप भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये आपका वॉश बेसिन का एरिया है दोस्तों, और इसके साथ में भी आपको स्विच एंड सॉकेट मिल जाता है। और अगेन दोस्तों एक काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है, यानी कि आपके इस वॉशरूम के अंदर भी आपको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, और साथ के साथ दोस्तों आपको एग्जॉस्ट फैन लगाने का स्पेस भी यहाँ पर मिल जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये वॉशरूम भी आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं बालकनी के बारे में। ये है हमारी बालकनी, और बालकनी का जो साइज है, सबसे पहले साइज की बात करते हैं तो दोस्तों लगभग 14 फीट बाय और 4 फीट का आपको आपकी बालकनी का साइज मिलता है। बालकनी को दोस्तों थोड़ा सा वाइड रखा गया है, क्योंकि बालकनी काफी काम आती है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर दोस्तों ओपन स्पेस बहुत कम मिलता है, तो बालकनी ही हमारा एकमात्र साधन है जिस पर आकर हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। और काफी लोग दोस्तों गार्डनिंग का शौक भी रखते हैं, तो बालकनी उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों आपको आपका वॉशिंग स्पेस मिलता है, आप देख सकते हैं कि टैब आपको मिलता है, स्विच इन सॉकेट आपको मिलती है। एलिवेशन की अगर बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर टाइल वर्क आपको मिलता है, लाइट बेस की टाइल्स आपको मिलती है, जो कि दोस्तों काफी शानदार और काफी अच्छी फील की टाइल्स आपको यहाँ मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारी स्टील की रेलिंग की। तो यहाँ आपको 304 के स्टील के साथ रेलिंग मिलती है। नीचे आपको दोस्तों जो बेस बनाया गया है ये ग्रेनाइट पत्थर का है, और उसके अलावा नीचे से दोस्तों इसकी जो हाइट रखी गई है ये लगभग दोस्तों 4 फीट की हाइट है। सामने की गली दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हालांकि आप गली देख चुके हैं पहले भी वीडियो में, लेकिन सामने आपको एक ये गली मिलती है दोस्तों, और उसके ठीक साथ में दूसरी गली भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये है दोस्तों आपकी बालकनी, जो कि काफ़ी अच्छे से डिजाइन की गई है। ये एरिया भी दोस्तों आपको प्रॉपरली मिलता है, आप
तीन या चार चेयर भी डालकर दोस्तों सुबह शाम यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी बालकनी, और इस टाइप का फ्लैट दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, फुली लग्जरी फ्लैट है दोस्तों और काफी शानदार काम के साथ आपको ये मिल जाता है। तो चलिए मूव करते हैं आपके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ दोस्तों आपका थर्ड बेडरूम है जो कि एंट्री के बिल्कुल साथ में है। एंट्री करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके बेडरूम का साइज आपको काफी अच्छा मिलता है, 11 फीट बाय और 10 फीट का दोस्तों आपको आपका ये बेडरूम मिलता है। और इस बेडरूम में भी दोस्तों आप देखेंगे कि बेड की प्लेसमेंट आपके लिए काफी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों आपका 6x6 का बेड लग सकता है, साथ में आप देखेंगे कि आपको सीजन सॉकेट भी और आपके फैन की ऑपरेटिंग भी यहाँ पर दी हुई है। पीछे दोस्तों डिजाइनर वॉल आपको मिलती है, आप देखेंगे कि एक लैंप भी हम आपको लगाकर दे रहे हैं। दोस्तों बेड के ठीक सामने दोस्तों आपको आपका एलईडी पैनल मिलता है, और ये एलईडी पैनल भी काफी शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बड़ा, ऑलमोस्ट रूफ हाइट तक का आपका ये एलईडी पैनल है, और काफी चौड़ाई भी इसकी रखी गई है दोस्तों। 43 इंच तक का टीवी आप यहां पर इजिली लगा सकते हैं, स्विच इन सॉकेट आपको मिल जाते हैं नीचे और ऊपर। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो लेमिनेट का यूज किया गया है ये भी काफी प्यारी और शानदार है, ब्लैक और ब्राउन कलर का शानदार सा कॉम्बिनेशन भी दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके स्टोरेज की, तो यहां आपको स्टोरेज भी मिल जाती है दोस्तों, और उसके ऊपर आपको मिलता है आपका ड्रेसिंग सेक्शन, यानी कि दोस्तों तैयार होने के लिए भी आपको प्रॉपर एक जगह हम लोग बनाकर देते हैं। इस रूम में भी दोस्तों वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर भी आपको काफी बड़ी और शानदार सी विंडो मिल जाती है दोस्तों, काफी बड़ी ये शाफ्ट है दोस्तों, तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपके रूम में आपको यहां पर मिलने वाली है। सीलिंग की अगर बात करें तो अगेन सीलिंग का शानदार सा डिजाइन आपको मिलता है, और यहां भी हम आपको एक फैन लगाकर देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आपका ये 3BHK का फ्लैट जरूर पसंद आया होगा। ये दोस्तों एक लाइफ चेंजिंग फ्लैट हो सकता है आपके लिए अगर आप सीरियस बायर हैं तो, क्योंकि दोस्तों ये एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, एल टाइप के फ्लैट है, फुली वेंटिलेटेड है दोस्तों, नेचुरल लाइट आपके हर रूम के अंदर आती है, और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो मेकिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लिफ्ट मिलती है दोस्तों, गाड़ी की पार्किंग मिलती है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोन भी आप 80-90% यहां पर इजीली अवेल कर सकते हैं दोस्तों अगर आपकी प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग है। तो जल्दी से फोन उठाइए दोस्तों और फोन घुमाइए और अपना ये फ्लैट बुक करवा लीजिए। और दोस्तों अगर आप पहली बार आपके इस YouTube चैनल पर आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हो सकता है दोस्तों कि आप 3BHK फ्लैट ना देख रहे हो, लेकिन हमारे YouTube चैनल पर, यानी कि आपके YouTube चैनल पर गुरु महादेव पर बहुत सारे 2BHK, बहुत सारे 4BHK और बहुत सारे इंडिपेंडेंट हाउसेज भी हैं दोस्तों, आप वो भी ले सकते हैं। और हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है दोस्तों उसमें बहुत सारे फ्लैट्स और बहुत सारे इंडिपेंडेंट हाउसेज भी आपको हम लोग दिखाने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।